बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बीच इमाम जामिया जनाब फारूक साहब, मेरे सीनियर और बहुत करीबी साथी जनाब अख्तर हुसैन काजी साहब यहाँ बैठे हुए, आफिस साहब, हमारे जो मलिक साहब, नईम साहब और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब फिदा हुसैन साहब, बाकी मेरे साथ आए हुए जो स्कूल के लोग हैं या मेरे डिपार्टमेंट से यहाँ आए हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये अख्तर साहब ने पहले ही मुझे लगता है उस समंदर को कोजे में भरने का काम किया है, जो इन्होंने दो चार पाँच मिनट में बातें कही हैं वो सब निचोड़, बिल्कुल जिसको हम अंग्रेज़ी में बहुत कोहेरेंट, प्रिसाइज, टू द पॉइंट ऐसा बोला है इन्होंने, और हमें बहुत रिगार्ड है इनका। आबिद साहब ने पहले ही जो तारीफ की है इसमें कोई शक नहीं है कि ये सही बात है। आपके साथ यहाँ रहे हैं, मैं बहुत करीब से इनको जानता हूँ क्योंकि इनके साथ हमारे मेरे वालिद साहब के मेरे बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, हम जानते हैं इनको कि इनके काम को बहुत अच्छी तरह से, और ये सराहा भी जाना चाहिए जब कोई इंसान काम करेगा। मेरा आज का मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बट मैं चाहूँगा कि आप लोग जो यहाँ इस स्कूल को देख रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की हैसियत से जो काम कर रहे हैं आप लोग, या प्रिंसिपल की हैसियत से आप लोग काम कर रहे हैं, या कोई उस्ताद की हैसियत से काम कर रहा है, मेरी आपसे सिर्फ गुजारिश रहेगी कि बहुत सारी कमियां हम में हैं जो मुझे लगता है मैं देख पाता हूं, और पता नहीं क्यों मुझे लगता है, मैं अख्तर साहब आपको कहूँगा कि मेरे दिल में बहुत पहले से पता नहीं क्यों ये दुआएँ होती थी कि मैं इस इदारे में कभी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, और शायद मेरी शायद बाकी दुआएं हम करते रहते हैं कभी कि अल्लाह मुझे डीसी बनाए, पता नहीं कमिश्नर बनाए, ये होती है, इंसानी फितरत है ना, लेकिन मेरी हमेशा ये दुआ पहली होती थी कि मैं इस इस्लामिक स्कूल, इस इदारे के लिए, जब मैं पहले भी यहाँ था तब भी और आज भी मैं चाहता था कि मैं कुछ कर पाऊँ, तो अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया है और आप लोगों की शायद दुआएँ हैं कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं इस खिदमत के लिए मुझे तैनात किया गया है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे लगता है एक कुछ रिवोल्यूशनरी स्टेप्स जिसको आउट ऑफ बॉक्स हम कहते हैं वो करने की ज़रूरत है। जहाँ तक मैं जो मुझे फीडबैक मिला है, चाहे हमारे सीनियर कलीग अख्तर साहब से या दूसरे जो हजरात यहाँ काम करते हैं, मुझे लगता है हमारा इदारा अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में काम नहीं कर रहा है, बल्कि हम कहेंगे कि लॉस में ही है। हम कोशिश करेंगे कि ये इदारा जो है, अख्तर साहब ने सही कहा कि इससे बहुत बड़े बड़े हमने एसेट्स दिए हैं, चीफ इंजीनियर्स दिए, वाइस चांसलर्स दिए, तो क्यों नहीं आज की डेट में हम इस इदारे से बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स निकालते हैं, क्यों हम यहाँ से अच्छे अच्छे ऑफिसर्स, चाहे वो दीनी तबके से ताल्लुक़ रखते हों या दुनियावी लिहाज से बहुत आगे हों, लेकिन हम चाहेंगे कि इस इदारे से लोग आगे आएँ, और मैं खुसूसन चाहूँगा कि हम लोग पर्सनल एफ़र्ट्स, मैं तो चाहूँगा, मैं तो इंशाल्लाह अपने पूरे एफ़र्ट्स लगाऊँगा, बट मुझे ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों की गाइडेंस की। अख्तर साहब को भी इंशाल्लाह हम तकलीफ देते रहेंगे, फारूक साहब तो हमारे हैं, जितनी मेरी उम्र है इतनी इनकी सर्विस है इमामत कराने में, पूरी 38 साल मेरी उम्र है और 38 साल से ये इमामत करा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मैं आपसे बहुत सीखूं, लेकिन कुछ मेरे, जैसे अख्तर साहब ने कहा, मेरे कुछ डिसीजंस शायद होते हैं, वो मुझे आदत है कुछ कि मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ कुछ आउट ऑफ बॉक्स करता हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा अल्लाह का करम आज तक रहा है कि मैं 90% कामयाब भी होता हूँ, 10% चांसेस रहते हैं कभी नाकाम होने के भी, लेकिन दुआ करेंगे कि अल्लाह जब हमारी नीयत ठीक होगी, जब हमारे करने की नीयत ठीक होगी कि हम एक अच्छी नीयत से किसी काम को करने की कोशिश करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि अल्लाह हमें मायूस करेगा, अल्लाह तबारक ताला उसमें हमारी मदद ज़रूर फरमाएंगे। लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप कॉपरेट भी करेंगे, गाइड भी करेंगे, जब जब इंशाल्लाह चाहे आबिद साहब की ज़रूरत पड़े, चलिए हमें वैसे भी पुलिस वालों के साथ तो बहुत ज़्यादा काम पड़ता ही रहता है, वैसे भी ये बहुत ही नहायत ही नेक इंसान है, अदरवाइज भी किश्तवाड़ में काम करना, बाहिस्ते SHO काम करना, मुझे लगता है ये सबसे मुश्किल काम है, और इनको समीर जिलानी के बाद, इनकी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इनके बाद अगर मैंने देखा है सच में किसी SHO को किश्तवाड़ में दिल से लगन से काम करना, तो वो आबिद साहब है। तो मैं चाहूँगा कि ये इनकी भी हमें गाइडेंस मिले, जहाँ हमें इनकी सूरत हो भी हमें कॉपरेट करें, बाकी इंशाल्लाह आप लोगों का ताउन होना चाहिए, आप लोगों की दुआएँ होनी चाहिए, मैं कोशिश करूँगा कि ये इदारा चमके, फूले, फले, जिस तरह से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्टेशंस हम पूरी कर पाएँ, हम उस पर उतरें। बस सलाम, बहुत शुक्रिया।